हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही मिस्टीरियस मूवी की एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है माय बॉस इज अ सीरियल किलर। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़रूर से लाइक कर दीजिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी की शुरुआत में हम दो दोस्तों को देखते हैं, डेजी और मियाँ। वो दोनों मिथबस्टर वीडियोस बनाते थे, मतलब कि उन्हें हॉन्टेड प्लेसेस पे जाने का बहुत शौक था एंड वहाँ पहुँचकर वो वहाँ के मिथ्स को बस्ट करते थे कि असलियत में वहाँ पे कोई भूत है या नहीं। अब कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं एंड हम एक कंपनी की मीटिंग को देखते हैं। वहाँ पे पेन नाम का बंदा सभी बोर्ड मेंबर्स को सजेस्ट कर रहा था कि उन्हें नई तरीके अपनाने चाहिए ताकि उनकी सेल्स बढ़ सके, लेकिन बाकी सब उसकी बातों से सहमत नहीं थे। लेकिन कंपनी का बॉस सहमत था। बॉस का नाम था टॉप। फिर अगले सीन में हम मिया और लिन से मिलते हैं। वो दोनों कॉलीग्स थे एंड साथ ही बहुत अच्छे दोस्त भी। उन्हें जासूसी करने का बहुत शौक था एंड वही हम डेजी से मिलते हैं। मिया, लिन और डेजी साथ में बात कर रहे थे तभी वहाँ पर पेन आता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेटेस्ट प्रोजेक्ट पे वो उन तीनों को शामिल करना चाह रहा था क्योंकि वो तीनों काफ़ी यंग थी और इस प्रोजेक्ट की मदद से उन्हें यंग ऑडियंस को टारगेट करना था अपने प्रोडक्ट्स के लिए। मियाँ कहती है, तो तुमने एड एजेंसी से कॉन्टैक्ट क्यों नहीं की, वो ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। पेन कहता है, मैं भी यही सोचा था, पर बॉस ने कहा कि मैं ऑफिस के लोगों से बात करूँ जो अंडर 30 है एंड उनके आइडियाज़ को यूज़ करूँ। पेन कहती है, इस ऑफिस में तो सिर्फ हम तीन ही अंडर 30 हैं। पेन कहता है, एक और है। तभी टॉम नाम का बंदा एंटर करता है, वो भी अंडर 30 था। उसके आते ही पेन कहता है, चलो अब सभी अपने अपने आइडियाज़ बताओ। वो सभी सोच ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं सामने की दीवार पे समय बहुत तेज़ी से बीत रहा था। ऐसा लग रहा था कि 3 घंटे का समय बीत गया हो। पर तभी मियाँ कहती है, ये क्या हो रहा है सामने घड़ी पे? बेसिकली घड़ी खराब हो गई थी। टॉम घड़ी ठीक करने लगता है और इसी बीच मियाँ अपनी तरफ से एक आइडिया देती है, पर डेजी को वो सही नहीं लगता और वो कुछ और सजेस्ट करती है। फिर उन दोनों में डिबेट चलने लगी थी। उनकी बातों को सुन पेन कंफ्यूज हो गया था और वो कहता है, चलो आज इसे यहीं पे रोक देते हैं, इस बारे में हम कल बात करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि मियाँ के पास टॉम आता है। उसकी पेन ड्राइव खो गई थी तो वो मियाँ से पूछा था कहीं उसने देखी है। मियाँ ने उसे कहीं नहीं देखा था। फिर टॉम वहाँ से लौट रहा था कि तभी मियाँ को उसकी पेन ड्राइव जमीन पर गिरी हुई दिख जाती है। वो जाकर उसे दे आती है एंड सभी तब तक घर जा चुके थे। लेकिन अभी भी काम करी थी एंड वो मियाँ को अपने पास बुलाती है, उसे कुछ दिखाती है। एक्चुअली मुझे पेन ड्राइव जमीन पे मियाँ को मिला था वो लिन का था और फिलहाल लिन के पास जो पेन ड्राइव है वो असलियत में टॉम का है। यानी कि यहाँ पे अननोइंगली लिन और टॉम के पेन ड्राइव्स आपस में एक्सचेंज हो गए क्योंकि वे एक जैसे दिखते थे। और टॉम के पेन ड्राइव के अंदर कुछ बहुत ही खौफनाक था। काफ़ी समय पहले उनके ऑफिस में खून हो गया था, उसका खूनी आज तक पकड़ा नहीं गया। डॉक्टर ए जो कि एक क्रिमिनोलॉजिस्ट है, उनके हिसाब से ऑफिस के बॉस मिस्टर टॉप ने ही उसे मारा था, लेकिन फिर भी वो आज तक खुलेआम घूम रहा है। मियाँ कहती है, तुम ये सब क्यों देख रही हो, इतनी परेशान क्यों हो? लिन कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि सच हो सकता है? और डॉक्टर ए के अकॉर्डिंग तो बॉस ने काफ़ी लड़कियों को मारा है, उनमें से एक हमारे ऑफिस से भी थी, तुम देख सकती हो। बस दिक्कत यह है कि हमारे ज्वाइन करने से पहले ही ये सब कुछ हो गया। मियाँ हंसने लगती है एंड कहती है, चलो माना कि ये सीरियल किलर असली में है भी, तो तुम्हें सचमुच लगता है कि वो हमारे बॉस होंगे? लिन कहती है, वो क्यों नहीं हो सकते? मियाँ लिन आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनके पास मिस्टर टॉप आ जाते हैं, यानी कि उनके बॉस। वो पूछते हैं, क्या तुम दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हो, हुआ क्या? वो दोनों घबरा गए थे बॉस को देखकर। मियाँ बॉस से कहती है कि हम एक एक्टर के बारे में बात कर रहे थे। वो किसी तरह बहाना बनाकर खुद को बचा लेती है, साथ ही लिन को भी। बॉस कहते हैं कि चलो मान लिया कि तुम मेरे बारे में बात नहीं कर रहे थे, लेकिन आगे से कभी करना भी तो कोशिश करना कि मैं सुन ना सकूं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। जब लिन और मियाँ लौट रहे थे तो वो देखते हैं कि बॉस और टॉम के बीच बहस हो रही थी। टॉम उनसे कह रहा था कि मैं आपकी किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर मियाँ और लिन वापस अंदर चले जाते हैं एंड अंदर में डेजी उनसे पूछती है, तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? वो दोनों कुछ बहाना बना देते हैं एंड अब शाम को मियाँ इंटरनेट पे सर्च करी थी उस खून के बारे में। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि डेजी एक कैरोके सेंटर पे गई थी। उसे उसकी दोस्त का मैसेज आता है एक ऑनलाइन गेम खेलने के लिए। डेजी बोर हो रही थी तो बाहर जाकर वो गेम खेलने लगती है। वहीं पर उनका बॉस टॉप भी आया हुआ था एंड डेजी से वो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बताती है, मैं इस गेम को खेल रही हूँ लेकिन बार बार हार जा रही हूँ। टॉप कहता है, इसे जीतने के लिए एक सीक्रेट ट्रिक है, तुम्हें एक्चुअल में एक सीरियल किलर के जैसे सोचना होगा तभी तुम इसे जीत पाओगी। मैंने वैसे ही जीता था। इस बात को सुन डिजी काफ़ी हैरान थी। फिर अगला दिन मियाँ और लिन लिफ्ट में थे तभी टॉप भी वहाँ पर एंटर करता है। वो दोनों ऑलरेडी घबराए हुए थे और तभी अपने बॉस को देख वो और घबरा जाते हैं। टॉप उनसे कह रहा था कि बहुत हो गया, अब कुछ करना पड़ेगा इनका। वो दोनों डर जाती हैं कि बॉस क्या करने वाले हैं, पर टॉप शेयर्स को बेचने की बात कर रहे थे। फिर टॉप वहाँ से चले जाते हैं और लिन कह रही थी, कहीं इन्हें हम पर शक तो नहीं हो गया?
मिया कहती है रुक जाओ, टॉम को आ जाने दो, हम उससे बात करेंगे कि आखिर उसने उस पेन ड्राइव पे ये क्या डाल रखा है, शायद ये बात उसके सामने ही क्लियर हो सके। अब पेन को डेजी प्रेजेंटेशन दे रही थी कि तभी उसके बाद पेन मिया से पूछता है, तुमने कुछ तैयार किया कि नहीं? मिया इंटरनेट पे क्लेयर को ढूंढने के लिए परेशान थी तो उसने कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार नहीं की थी। वो फिर बातों के साथ खेलने लगती है कि उसके आइडियाज क्या है। इस बात को सुनकर डेजी कहती है, यही बातें तो मैंने भी बोली थी कल और तुमने एग्री नहीं किया था, तो आज क्या हो गया है? उन दोनों पर दोबारा बहस ना हो जाए इसलिए पेन कहता है, हम लोगों को मिलकर काम करना होगा, इसलिए साथ सोचो। फिर पेन कहता है, क्यों ना हम एडवर्टाइजिंग के लिए बॉस की फोटो को यूज़ करें। डेजी कहती है, हाँ ज़रूर, वो स्मार्ट भी और हैंडसम भी, ये सही रहेगा। तो पेन डेजी लेन मियाँ को एक एक करके काम सौंप देता है ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि डेजी को टॉम का मैसेज आता है, वो उससे हेल्प मांग रहा था। इस बारे वो मियाँ और लेन को ही बताती है एंड ये बात जानकर मियाँ और लेन डेजी को सब कुछ बता देती है जिन्होंने टॉम के पेन ड्राइव पे देखा। डेजी ये सुन कहती है, कहीं तुम दोनों इस बात को सच तो नहीं मान रहे, ये डॉक्टर एलियन नाम का बंदा हो सकता है फेक हो, तुमने टॉम से कन्फर्म किया इस बारे में? मियाँ कहती है, हम कब से इस बात को कन्फर्म करना चाहते थे, एक्चुअली पिछले दिन ऑफिस के बाद हमने बॉस और टॉम को साथ बहस करते हुए देखा जिसमें टॉम कह रहा था कि वो उनकी किसी धमकी से डरने वाला नहीं है, वो वही करेगा जो उसे सही लगे। एंड ये सब देख मियाँ को लगा कि कहीं बॉस सच में कोई कातिल तो नहीं और उनका ये राज टॉम को पता चल गया हो। मियाँ डेजी से कहती है कि उस दिन की बहस के बाद टॉम ऑफिस कभी नहीं आया इसलिए हम दोनों पूछ ही नहीं पाए उसे। डेजी कहती है उसे कॉल कर लो, जिस पर लिन कह रही थी लेकिन फोन बंद आ रहा है। तो तीनों डिसाइड करते हैं टॉम के घर जाने का। वो जाकर नॉक करते हैं लेकिन गेट कोई नहीं खुलता। तो डेजी जैसे ही लॉक को घुमाती है तो वॉल ऑलरेडी खुली हुई थी। वो अंदर चले जाते हैं एंड रूम पूरा बिखरा हुआ था। वो सभी सोच रहे थे आखिर यहाँ पे क्या हुआ होगा। तभी डेजी कहती है, ऐसे ही रूम्स होते लड़कों के, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। फिर भी मियाँ को सही नहीं लग रहा था तो डेजी भी सोचती है, हाँ लग तो रहा है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, शायद कोई यहाँ पर कुछ ढूंढने आया था। मियाँ समझ पाती है कोई जरूर टॉम के पेनड्राइव को ही ढूंढ रहा होगा जो कि मियाँ के पास है। लौटते वक्त मियाँ पेनड्राइव के डेटा को अपने लैपटॉप पर कॉपी कर लेती है, उस पेनड्राइव को फेंक देती है। एंड वो कह रही थी कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए इस डेटा को दिखाने के लिए। डेजी कह रही थी इस डेटा से हम कुछ भी प्रूफ नहीं कर सकते, अभी पुलिस के पास जाकर कोई फायदा नहीं। मियाँ कहती है लेकिन एक इंसान है जिसके पास हम जा सकते हैं। फिर वो तीनों डॉक्टर ए से मिलने जाते हैं। उनके घर को देख वो हैरान रह गए थे कि ये बंदा को सच में डिटेक्टिव वाले काम करता है। फिर उन सभी बातें हो रही थी एंड ए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि टॉप ने किसी को भी मारा है क्योंकि कोई अपनी ही कॉलीग को क्यों मारेगा, और तो और वैसे इंसान भी नहीं लगता है, लेकिन ये खूनी जो भी है वो बहुत ही चालाक है क्योंकि आज तक उसने जिससे भी मारा है उन सभी को उसने सुसाइड की तरह शो किया है। डॉक्टर ने उनसे कहता है कि तुम लोग मेरी हेल्प कर सकते हो सच को पता लगाने में। एंड अगले दिन ऑफिस में मियाँ बॉस के केबिन में जाकर उनके कुछ फोटोज देखती है। वहाँ से पता चलता है कि टॉम के पेरेंट्स का डिवोर्स तभी हो गया था जब एक छोटा बच्चा था और आज तक उसकी मॉम ने उसे कॉन्टैक्ट नहीं किया। एंड ये बात एक बच्चे के लिए जरूर बहुत ही टेंशन वाली रही होगी एंड इस वजह से शायद बॉस को बहुत परेशानी भी हुई हो। वो सभी सोच में पड़ गए थे आखिर बॉस ने अपनी कॉलीग को क्यों मारा होगा, आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा होगा उस वक्त। तभी वहाँ पर टॉप आता है एंड वो डेजी से कहता है, तुम तैयार हो ना, हमें चलना है। टॉप के जाते ही मियोलिन पूछती है, कहाँ जा रही हो? डेजी बताती है, मैंने कहा था इसलिए वे एक फोटो शूट के लिए जा रहे हैं, बॉस की एक फोटो शूट होगी। मियोलिन के फेस को देख डेजी कहती है, घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। फिर वो टॉप के साथ निकल जाती है। रास्ते पर टॉप पूछता है, आखिर तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? वो कहते हैं, ठीक ही। टॉप उसे पूछता है, मैंने सुना है तुम्हारे मियाँ क्लासमेट्स थे, क्या ये बात सच है? वो बताती है हाँ। तभी हम देखते हैं कि बचपन एक बार डेजी मियाँ से कहती है, इस बार जो हमने वीडियो बनाया है इसे हमें रहने देना चाहिए वरना प्रिंसिपल को दिक्कत आ जाएगी, हम सिर्फ शक के कारण किसी को फंसा नहीं सकते। डेजी कहती है, हम दोनों ने चैनल इसलिए बनाया था ताकि हम मजे कर सकें, इसलिए ज्यादा हो रहा है। मियाँ को लेकिन ये बात अच्छी नहीं लगती और वो कह देती है, फिर हमें चैनल को बंद कर देना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अब और काम नहीं कर सकती। एंड उस दिन से उनकी दोस्ती में दरार आ गई थी। अब हम देखते हैं कि ऑफिस में सभी लोग पहले की फोटोज देख रहे थे, उसी फोटो में एक एन नाम की लड़की भी थी। एंड उस फोटो को देख मियाँ पूछती है, आखिर ये कहाँ है अब? तो सारे बताते हैं कि एन अब इस दुनिया में नहीं रही। एंड सभी के सभी वहां से एक पल में ही चले जाते हैं। मियाँ लिन ऑफिस की सफाई कर्मचारी से एन के बारे में पता करती है तो उन्हें पता चलता है कि एन और टॉप बहुत अच्छे दोस्त थे, शायद दोस्त से भी ज्यादा। मियाँ सब डॉक्टर ए को बताती है। ए कहता है, अब मैं समझाऊं कि आखिर किलर ने 6 सालों से किसी और को क्यों नहीं मारा। ऐसा इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम उसने एन को मारा था और एन जो कि उसकी बहुत ही करीबी थी इसलिए वो पकड़ा भी जा सकता था। खुद को बचाने के लिए उसने इतने सालों से एक भी मर्डर नहीं किया। बेसिकली मियाँ की रिसर्च के बाद से सारा शक उन लोगों का बॉस पर ही जा रहा था। अब हम देखते हैं कि शूट खत्म होने के बाद डेजी टॉप के पास आती है और किसी तरह उसे पूछती है, आखिर आप उस दिन टॉम पे नाराज क्यों हो रहे थे? टॉप बताता है कि टॉम वीड स्मोक कर रहा था इसलिए मैं उसे ऑफिस में आने से मना कर रहा था।
क्योंकि ये काम वो बाहर जाकर भी कर सकता है, लेकिन वो मेरी बात सुन भी नहीं रहा था। ये सुनकर डेजी हंसने लगती है कि मिया और लिन को क्या लग रहा था कि बॉस का राज पता चलने की वजह से बॉस ने टॉम को मारने का प्लान बनाया होगा, लेकिन असल में तो बात कुछ और ही है। हम देखते हैं कि मिया अपने शक को कन्फर्म करने के लिए ए से पूछ रही थी आखिर वो क्या करे। ये कहता है किलर्स की आदत होती है कि वो लोग जिसे मारते हैं उनकी फोटोज को या सामान को अपने पास जरूर रख लेते हैं, तो ये पता करो क्या बॉस के पास वो सामान या फोटोज हैं। इसके लिए मिया को बॉस के घर जाना होगा एंड इसीलिए मिया पेन से बात करके एक और फोटोशूट अरेंज करवाती है बॉस के घर पे। लेकिन मिया से कह रही थी इस काम में काफ़ी रिस्क है। मिया कहती है इसे तो मुझे तुम्हारी भी हेल्प चाहिए होगी, तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। मिया नहीं चाहती थी कि डेजी भी वहाँ पर है, इसलिए उसने उसे नहीं कहा था आने को। पर पेन डेजी को भी जाने के लिए कह देता है ताकि वो बिहाइंड द सीन्स की वीडियो बना सके एंड फिर उसे भी वहाँ पर चले जाते हैं। एंड शूट स्टार्ट होने ही वाली थी कि तभी डेजी देखती है कि मिया और लिन बॉस के घर के अंदर पे जाकर कुछ अजीब सा मुंह बना रखा है उन्होंने। फिर शूटिंग के स्टार्ट होते ही मिया अंदर जाने की कोशिश करती है, डेजी उसे रोकती है पर वॉशरूम के बहाने बनाकर चली जाती है। छानबीन करते हुए उसे कुछ भी नहीं मिलता एंड फिर वो ऊपर की तरफ जाती है तो उसे एक कमरा दिखता है, उस कमरे में चली जाती है एंड वहाँ पर एक रेड रूम के जैसा था। तभी वहाँ पर शूट भी कम्प्लीट हो चुकी थी एंड टॉप दिखता है कि घर का सामने का गेट खुला हुआ है, ज़रूर कोई अंदर गया होगा। वो भी अंदर जाने लगता है लेकिन किसी तरह उसे लेन रोकती है कि उसे कुछ और सवाल करने हैं एंड तभी उनका काम पूरा होगा। अंदर पे मियाँ को बहुत से फोटोज़ मिलते हैं लेकिन उनमें कोई भी काम की नहीं थी। वो बहुत ढूंढती है लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिलता। अब हम देखते हैं कि लिन के फालतू के सवालों से टॉप परेशान हो गया था, अब वो अंदर जाने लगता है। लिन तुरंत मियाँ को कॉल करती है कि बॉस अंदर आ रहे हैं। मियाँ गेट खोलकर भागने की कोशिश करती है पर वो देखती है कि टॉप अंदर आ चुका है ऑलमोस्ट। वो अंदर ही छिप जाती है एंड टॉप अंदर आकर लाइट्स नॉर्मल करके कुछ निकाल रहा था। तभी वहाँ पर डेजी आ जाती है मियाँ को बचाने और टॉप से कहती है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसे टॉप उसके साथ चला जाता है एंड इससे मियाँ बच गई थी। डेजी मियाँ से पूछती है आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो, फंस गई तो कौन बचाएगा। मियाँ कहती है कि तुम्हें पता है ना ये कितना सीरियस मैटर है, तुम्हें कैसे छोड़ दूँ। मियाँ कहती है इवन टॉम अब तक लापता है उसका क्या। डेजी उसे बताती है कि उसने बॉस से क्या बात की थी और बॉस ने बताया था कि टॉम और उनके बीच बहस इसलिए भी थी क्योंकि टॉम वीट स्मोक कर रहा था और बॉस को ये बात अच्छी नहीं लगी। मियाँ कहती है बॉस तुमसे झूठ भी तो बोल सकते हैं। वहीं डेजी को अब मियाँ की हरकतों पे गुस्सा आ रहा था एंड वो कहती है तुम उस डॉक्टर ये पे इतना विश्वास करने लग गई हो कि बॉस की बातों को झूठ मान रही हो। वहीं हम देखते हैं कि लिन और मियाँ ए से मिलने गए हुए थे। ये पूछता है तुम्हारी वो तीसरी दोस्त नहीं आ रही। मियाँ कहती है अब से डेजी नहीं आएगी। लेकिन तभी डेजी वहाँ आ जाती है। मियाँ उसे पूछती है आखिर तुम यहाँ पर कैसे। डेजी कहती है मैं विटनेस को लाने गई थी और हम देखते हैं कि वो विटनेस और कोई नहीं बल्कि टॉम था। डेजी ने आखिरकार टॉम को ढूंढ निकाला था एंड उसे कुछ भी नहीं हुआ था, वो बिल्कुल ठीक था। वहाँ उसे टॉम बताता है कि डेजी सही कह रही है, बॉस ने उसे स्मोक करने के लिए ही डांट लगाया था और बॉस ने उसे कुछ भी नहीं किया। मियाँ उसे कहती है फिर वो पेनड्राइव के अंदर जो स्लाइड्स थी वो इन्फॉर्मेशन थी और तो और उस दिन उस रूम पे टॉम की सारी चीज़ें ऐसी बिखरी हुई क्यों थी। डेजी कहती है दोबारा सोचो और ध्यान से सोचना आखिर तुम इस केस पे कैसे आई, किसने तुम्हें इसमें शामिल किया। तभी मियाँ को याद आता है कि लिन ने उसे इसमें शामिल किया था। लिन बार बार उसके सामने बॉस से डरने का नाटक करती थी, उसे पूछती थी क्या तुम क्यूरियस नहीं हो, शायद बॉस ने सच में किसी को मारा हो। हर एक बात उसे लिन ने ही इनडायरेक्टली बताई थी और लिन की बातों के कारण मियाँ भी जानने के लिए परेशान हो गई थी क्या बॉस सच में कातिल है भी, और अभी तो उसने जो भी कुछ किया वो लिन के बहकाव में किया था। अब वो दोनों लिन सब पूछने जाते हैं आखिर उसने ये सब क्यों किया। लिन बताती है कि 10 साल पहले जब वो सभी 12 में थे तब लिन उनकी यूट्यूब वीडियोज़ की बहुत बड़ी फैन थी और जब उन दोनों ने इन्फॉर्म किया कि वो वीडियोज़ नहीं बनाएंगे तब लिन को बहुत बुरा लग रहा था। वो उन दोनों के डिटेक्टिव स्किल्स को देख काफ़ी इंप्रेस थी एंड मियाँ पूछती है वो सब तो ठीक है लेकिन 10 साल बाद इतना बड़ा प्लान कैसे और क्यों बनाया तुमने। लिन बताती है कि एक दिन जब वर्किंग आवर्स खत्म हो चुके थे सभी जा चुके थे सिर्फ टॉम काम कर रहा था, वो जाकर देखती है टॉम फेक स्लाइड्स बना रहा था बॉस के बारे में कि वो कातिल है। टॉम को बॉस को फंसाना था और वो ऑनलाइन इसे रिलीज करने वाला था। ये देख लिन को आइडिया आता है कि वह गेम खेलेगी एंड इस नकली स्लाइड्स की मदद से वो मिया और डेजी को दोबारा साथ में काम करने के लिए ले आएगी जैसे वो पहले साथ में डिटेक्टिव वाले में काम करते थे। मिया उसे पूछती है तुम्हें क्या वो सीरियल किलर वाली बात झूठ लगती है। लिन कह रही थी ऐसी बात नहीं है, मैंने सोचा था कि तुम लोग जल्दी से इस बात का पता लगा लोगे कि मैंने ये सब किया है लेकिन मुझे नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। मिया लिन पे बहुत नाराज होती है और फिर मिया और डेजी दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। वीकेंड का समय था एंड वीकेंड खत्म होने के बाद भी ऑफिस में मिया लिन से बात नहीं करती है। अब मैंने तीनों से पूछा था उन्होंने टास्क कंप्लीट किया या नहीं, मियाँ कहती है लगभग हो गया है बस एक दो दिन और लगेंगे। पेन को ये जानकर खुशी नहीं होती एंड वो कहता है तुम्हारे पास काफ़ी समय था आखिर तुमने इतने वक्त किया क्या। वो मियाँ से कहता है मैं समझ सकता हूँ कि शायद तुम्हें ये जॉब पसंद नहीं होगी लेकिन फिर भी ये जॉब की रिस्पेक्ट करो। मियाँ को डांट सुनता देख डेजी सारा सच बता देती है कि उसे भी ऑफिस के गर्ल हंटर की खोज कर रहे थे।
कि कैसे ऑफिस में कुछ लड़कियों की जान गई थी, लेकिन एक कातिल है जिसे आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। फिर उनकी बातें सुन हंसने लगता है कि हाँ, ऑफिस गर्ल हंटर, ये सही है, ये कर लो तुम सब, एंड काम मैं कर लेता हूँ। डिजी कहती है, हम स्वयं पे काम कर देंगे, तुम्हें डेडलाइन से पहले रिजल्ट चाहिए, हम लोग वो कर देंगे। पेन कहता है, ठीक है, काम कंप्लीट कर लोगे तो बाकी तुम लोग को जो करना करो। फिर अगली सीन में डिजी मियाँ से थैंक्स कर रही थी आज उसकी मदद करने के लिए। मियाँ कहती है, पेन सच कह रहा है कि मुझे सच में ये जॉब नहीं पसंद है, मैं बिल्कुल भी पैशनेटली काम नहीं कर पाती हूँ, क्या करूँ। वो कहती है, अभी भी वो सीरियल किलर वाली बात दिमाग से बाहर ही नहीं निकल रही। डेजी उसे कहती है कि तुम्हारे नेचर ऐसा ही है, तुम्हें थ्रिलिंग चीज़ें ज़्यादा पसंद है, इसे तो मैंने तुम्हारे साथ चैनल बनाया था। एंड फिर अगले सीन में देखते हैं कि ऑफिस पे काम खत्म करके जब पेन लौट रहा था, तभी टॉप उसे रोक लेता है, उसे पूछा था कि उसका काम कैसे चल रहा है। बातों बातों पेन पूछ लेता है कि आपको मियाँ लेन और डेजी ने क्या ज़्यादा परेशान तो नहीं किया। ये सुनकर टॉप कहने लगता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। पेन घबरा गया था क्योंकि टॉप बहुत ही सीरियस मूड पर लग रहा था। पेन कहता है, मैं बस ऐसे ही कह रहा था। वो कन्वर्सेशन ट्रैक करने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी टॉप बहुत सीरियस हो गया था। कहता है, तुम जानते हो इस समय जब भी कोई नहीं होता है तो कितना सुनसान लगता है। ये सुनकर पेन की घबराहट तेज हो जाती है एंड तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, उसे देखकर टॉप वहाँ से निकल जाता है। आज पेन बाल बाल बचा था। एंड फिर हम देखते हैं कि टॉप ने अपने घर पे CCTV लगा रखा था। वही देख लेता है कि मियाँ उसके रेड रूम में गई थी। वहीं दूसरी तरफ लेन को देखते हैं, उसे डॉक्टर ए का कॉल आता है कि मियाँ कहाँ पर है। वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, लेन बताती है कि मुझे भी नहीं पता, वो मुझसे ही बात नहीं करी। डॉक्टर ए फिर लेन को कुछ फोटोज़ दिखाती है। एक्चुअली में उस दिन जब मियाँ टॉप के घर के रेड रूम में गई थी तो उसने वहाँ से कुछ फोटोज़ के नेगेटिव्स चुरा लिए थे और नेगेटिव्स उसने डॉक्टर ए को दे दिया था डेवलप करने के लिए। एंड ए ने वो नेगेटिव्स के फोटोज़ को भेजा था लेन को, क्योंकि डॉक्टर ए लेन को फोटोज़ भेज कर बताते हैं कि इन फोटोज़ पर एन को देखो। एन ने वही कपड़े पहन रखे हैं जिन कपड़ों में उसकी लाश मिली थी, उसकी डेथ उसके बर्थडे वाले दिन ही हुई थी, और इसीलिए शक तुम्हारी बॉस टॉप के ऊपर गया था। डॉक्टर ए ये भी बताता है कि ध्यान से देखो, जिस पेंडेंट को एन ने पहन रखा था वही पेंडेंट मियाँ को उस दिन टॉप के घर पे मिली थी। ये जानकर लेन हैरान हो जाती है एंड वो तुरंत मियाँ को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन मियाँ और डिजी कैरोके प्ले कर रहे थे तो इन्हें फ़ोन की आवाज़ नहीं सुनाई देती। लेन अकेली ओंग के घर चली जाती है एंड जब वो अंदर जाती है तो वो नोटिस करती है ओंग को किसी ने मार डाला था। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि मियाँ को उसके घर तक डिजी छोड़ आती है। मियाँ जब अपने फ्लैट की तरफ जा रही थी तभी उसे वहाँ पर टॉप मिल जाता है, उसके शर्ट में खून लगा हुआ था। मियाँ ये देख बहुत घबरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं क्योंकि बिल्डिंग के पास वाले CCTV के हेल्प से इनको पता चल गया था कि टॉप नहीं एक को मारा है। वो पुलिस को इस बारे में बता देती है एंड ऑफिसर्स टॉप के घर आ गए थे लेकिन वो वहाँ पर नहीं था तो उन्हें टॉप नहीं मिलता। अब मियाँ के अपार्टमेंट में टॉप से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था पर मियाँ तुरंत वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर लिफ्ट से ऑफिसर्स पहुँच जाते हैं और टॉप को अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन न्यूज़ में एक को किसी ने मार दिया उसकी खबर आ गई थी, बस अपराध के लिए टॉप को पकड़ लिया जाता है। ये न्यूज़ देख डेजी के हाथों से उसकी कोल्ड कॉफ़ी गिर जाती है। एंड हम देखते हैं इस खबर को जानने के बाद मियाँ लिन के मैसेजेस को देखती है। वो लिन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। मियाँ को कुछ ठीक नहीं लगता, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। डेजी कहती है बॉस को पकड़ लिया गया तो किस बात की टेंशन है, लिन भी कॉल बैक कर लेगी। मियाँ ऑफिस से निकल जाती है और रास्ते भर यही सोच रही थी कि रात बॉस को ज़रूर कुछ कहना था लेकिन क्या। वहीं दूसरी तरफ न्यूज़ में दिखाया जाता है कि टॉप को बेल मिल गई है, उसके लॉयर ने उसे बेल दिलवा दी थी अभी के लिए जब तक उसका अपराध साबित ना हो जाए। हम देखते हैं कि मियाँ टॉप से मिलने गई हुई थी। टॉप से बताता है कि एन के ऑफिस ज्वाइन करने से पहले वो उसकी गर्लफ्रेंड थी लेकिन फिर बीच में दोनों का ब्रेकअप हो गया। एन के ऑफिस ज्वाइन करने के बाद वो दोनों दोबारा अच्छे दोस्त बन गए लेकिन इस बार टॉप डर रहा था कहीं दोबारा उनका ब्रेकअप ना हो जाए। उसी के बाद एन को किसी ने मार दिया, टॉप ने सालों लगा दी और पागलों के जैसे किलर को ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो उन्हें नहीं ढूंढ सका। फिर जब टॉप को पता चला कि मियाँ उसके दोस्त भी इस केस को इन्वेस्टिगेट करें तो टॉप ने डिसाइड किया कि वो भी दोबारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। इंटरव्यू से डॉक्टर ए के बारे में पता चला, वो इसीलिए एक घर उसे मिलने गया था लेकिन उसके पहले किसी ने एक को मार दिया था। मियाँ पूछती है उस लैंडिंग का क्या जवाब है आपके पास। टॉप कहता है वो पेंडेंट मैंने स्पेशली दो बनवाए थे, एक एन को दिया था और एक को तो अपने पास रखा था। उस पेंडेंट को जूम कर मियाँ को ध्यान में आता है एंड वहीं दूसरी तो ऑफिस में डीसी को भी एक चीज़ दिखती है, उसे देख वो भी अपने फ़ोन में एन के पेंडेंट को दिखती है, उसे कुछ ध्यान में आता है। तभी उसके पास पेन आ जाता है एंड डीसी उसे देख घबरा गई थी और जानने की कोशिश करती है लेकिन पेन उसे बंधक बना लेता है। और फिर वो मियाँ को कॉल करता है और बताता है कि डेजी और लेन उसके कब्जे में है। मियाँ को भी वो कहता है कि वो अकेले ऑफिस आ जाए वरना वो उन दोनों को मार देगा। ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड आता है चेक करने और उसे कुछ अजीब आवाज़ें आती हैं। वो डेजी और लेन को देख लेता है बंदे में लेकिन उसे भी पेन मार डालता है। हम देखते हैं कि मियाँ ऑफिस पहुँच चुकी थी, वो पेन से पूछती है आखिर ऐसा तुमने क्यों किया। वो बताता है तुम्हारे उस डॉक्टर ने मेरी मॉम के बारे में क्या गलत बातें बताई थी कि मेरी मॉम बहुत बुरी है उनके कारण मैं ऐसा हो गया। पेन कहता है जब मैं छोटा था तब एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक रिसेशन आया था,
मेरी मॉम जो बहुत ही हार्ड वर्किंग थी उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। आखिर क्यों? इस वजह से उन्हें खुद की जान देनी पड़ी। तब मैंने डिसाइड किया कि जो कोई भी काम चोर है उन्हें मैं जॉब करने का हक नहीं दूंगा, एंड अगर वो जॉब में है और काम नहीं करे तो उन्हें जीने का भी कोई हक नहीं। किसी मेहनत करने वाले के हक को मारने से अच्छा है कि मैं उन्हें मार दूं। और पेन नहीं, हर एक विक्टिम के ज्वेलरी को अपने पास रख लिया था एज अ ट्रॉफी। उसी कारण से मियाँ को याद आता है कि उसने एंक की जैसी पेंडेंट पेन के ऑफिस में देखी थी। पेन बहुत ही गुस्से में था कि एंक सबसे बेकार थी काम में, कभी कुछ भी ढंग से नहीं करती थी, लेकिन तब भी उसे जॉब में रखा गया क्योंकि वो बॉस की एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसे बॉस बुला नहीं पाए थे। ये गलत नहीं है तो क्या है? मैं उससे ज़्यादा अच्छे काम करता था, फिर भी वो मेरी सुपीरियर पोस्ट में थी। क्यों? क्योंकि वो बस बॉस को जानती थी। मियाँ कहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसे मार दोगे, पागल हो गए हो क्या? पर पेन वह मियाँ को भी मारने वाला था, पर तभी बॉस पीछे से आकर उसे रोकते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि पेन ने यह क्या कर दिया, पागल पेन ने उसने कितनों की जान ले ली। बहुत लड़ाई के बाद लास्ट वो सभी जीत जाते हैं और पेन को जेल हो जाती है। एंड अगले दिन वो तीनों यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं कि आखिर कैसे उन्होंने ऑफिस हंटर का पता लगाया। एंड अब हम टॉप को भी देखते हैं जो अपनी एन के साथ फोटो को देख बहुत खुश हो रहा था कि आखिरकार उसने उसके अपराधी को जेल में पहुंचा दिया। और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।